हकला गया जो शादी में दूल्हा तो क्या हुआ था? ज्यादा खुशी में सांस अटकती जरूर है। खुश हो रहा था दूल्हा तो पंडित ने यह कहा, बुझने से पहले क्षमा भड़कती जरूर है। यह कहानी है डॉक्टर भल्ला की जुबानी, उनकी खुद की किस्सा गोई के अंदर शादी की कहानी। जब हम दूल्हा बन के पंडारा रोड गए 12 फरवरी 1978, लोगों ने कहा ये पंडारा रोड क्या है भाई, इसका नाम पंडारा रोड क्यों पड़ा? ये आज तक किसी दिल्ली वाले को मालूम नहीं है। हमारे दोस्त जो जावरा से, इंदौर से, अलग अलग प्रदेशों से आए थे, वो कह लगे पंडारा रोड क्या है? तो हमने खोजा, कुछ लोग कहने लगे कि पंडारा किंग होता था श्रीलंका का, वो लास्ट किंग था तमिलियन, और बाद में उसको श्रीलंका में तमिलियन हीरो बनाया गया, शायद उसके नाम पड़ा। कुछ लोग कहने लगे कि पंडारे जो होते थे, जो कि डाकू और डकैतों का काम करते थे, जो अफगानिस्तान से आए थे, शायद उनका ये कैंप रहा। पर हमने रिसर्च करने पे पता लगाया कि इसका नाम पंडारा रोड यूं पड़ा कि एक क्लर्क की छोटी सी गलती से पांडवा की जगह पंडारा हो गया, PANDAVA लिखना था और उसने V की जगह R लिख दिया, और वो हमेशा के लिए पांडव रोड की जगह पंडारा रोड हो गया। अंग्रेजों ने नई दिल्ली जब बनाई तो उसमें कई जगहों के नाम पुराने नवाबों, राजाओं, मुगल बादशाहों और हिंदू देवी देवताओं के नाम भी रखे, और खुद के वायसराय, किंग वगैरह पे भी रखे। जैसे इंडिया गेट के आसपास अकबर रोड, शाहजहां रोड, शेरशाह सूरी रोड, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक नाम पांडवों के नाम भी होना चाहिए, क्योंकि पांडवों ने सबसे पहले दिल्ली बनाई थी और पुराना किला उन्हीं का बनाया हुआ था, इंडिया गेट के नजदीक था, तो उन्होंने इस रोड का नाम प्लान किया पंडारा रोड। पर एक क्लर्क महाशय ने पंडारा की जगह आर की जगह मिस्टेक कर दी, पांडवों की जगह पंडारा रोड हो गया, और आज तक वो मशहूर है। जब नई दिल्ली बन चुकी थी, उसके बाद आजादी के बाद पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए और लाखों लोग दिल्ली के अंदर शरणार्थी बनकर आए, तो इंडिया गेट के आसपास ढाबे खुल गए, रेडी वाले नीचे सड़क पे बैठ के कोई छोले कुलचे बनाता था, कोई पापड़ बेचता था, और इस प्रकार से ढाबे खुल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, यंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो दिन भर रात भर दिल्ली में घूमते रहते थे और समस्याओं का हल निकालते थे। एक दिन वहां इंडिया गेट से गुजर रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, उनका कि ये क्या है? तो लोगों ने कहा कि साहब ये शरणार्थी हैं, इन्होंने छोटे छोटे यहाँ पे सड़क के ऊपर ढाबे बना लिए हैं। उन्होंने मेहरचंद खन्ना, जो भारत के पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जिनके खुद के नाम पर मेहरचंद और खन्ना मार्केट लोधी रोड पर है, उनको हुक्म दिया कि इन शरणार्थियों को जल्दी से कहीं दुकानें अलॉट की जाए। तो 1952-53 के आसपास पंडारा रोड मार्केट बनी और वहां पे इन लोगों की दुकानें अलॉट हुई। सबसे पहली दुकान पिंडी, अभी भी है वो, तीसरी जनरेशन पिंडी की दुकान, पिंडी का चिकन, पिंडी का ढाबा, वो जो थे श्रीमान वाधवा साहब, वो आए थे रावलपिंडी से, और इंडिया गेट के लॉन के ऊपर बैठ के वो छोले और भटूरे घर से बना के लाते और बेचते, वो बड़े मशहूर हो गए। और जब फिरोज शाह कोटला में मैच होता तो वहां भी जाके बेचते। तो जब अलॉटमेंट हुआ तो उनकी पहली दुकान थी पिंडी, सबसे पुरानी दुकान वाधवा साहब की, पंडारा रोड की दुकानों में सबसे पुरानी है
और सबसे मशहूर भी है और बड़ी ही लजीज खाना वहां मिलता है। 12 फरवरी 1978 को डॉक्टर हरीश भल्ला सफेद घोड़े पर बैठकर पंडारा रोड गए और पंडारा रोड में जहां हमारे ससुर साहब कस्टम कमिश्नर होते थे मिस्टर एचएस जॉली, उनके दौलत खाने पे हमारी बारात गई और वहां पे हमने डॉक्टर कुसुम जॉली से विवाह किया। इसलिए पंडारा रोड हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा याद रहेगा, बड़ी हमको सुख भरी और बहुत ही प्यारी बातें पंडारा रोड की याद हैं। और आखिरी में आपको एक शेर पेश करता हूं। ये कहते हैं सभी इस दौर में हर काम मुमकिन है, ये कहते हैं सभी इस दौर में हर काम मुमकिन है, मैं ये कहता हूं ये दोबारा हो नहीं सकता। हरा हो सकता है सूखा पेड़ एक मुमकिन है, मगर शादीशुदा इंसान कुंवारा हो नहीं सकता। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में अलविदा, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।